आज मैं महोबा नवीन गल्ला मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे चबूतरे बने हुए हैं। चबूतरा जहाँ पर बना है वहाँ पर बोरों की छल्ली लगी हुई है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि जहाँ पर व्यापारियों को माल रखा है वहाँ पर हम किसानों को माल रखना चाहिए, और वहाँ पर जगह ही नहीं है। इस कारण से आए दिन रोड में और मंडी के बाहर भीतर जाम लगा रहता है। चार चार दिन किसान यहाँ पर भूखे प्यासे पड़ा भी रहता है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है मंडी में कि अपना आराम से किसान अपना माल बेच सके। जब गेल कहा लोकार गेल जब तबियत तो हाथ जाम होता है लगो तो जी ये कहे मचो तो जाम भीड़ है गेर ना बहन बारन के तो कहाँ ले जाए जब तो जाम होते जो किसान माल लिए खड़े थे। हाँ वो आपका क्या आप कितने बजे आई थी? हम 8 बजे। और अभी आपको तोल गया? अब कहाँ तो दिन घर। आप लोग यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं तो क्या लेकर बैठे हुए हैं? अरे गल्ला बेचना है हमें, कहना के तिलहन बेचना है, उर्द बेचना है, हैं यहाँ तो आप इतनी अव्यवस्था है कि कुछ कहना ही कठिन है। हाँ। और जो पचपहरा पचपहरा जो मंडी है वो ये मंडी जो सब्जी मंडी में वो कर दी जाए और स्थानांतरित कर दी जाए, और वो जो है गल्ला मंडी वो होना चाहिए। और यहाँ देखिए ट्रैक्टर बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, चक्का जाम है यहाँ। बताइए कैसे अब आदमी अपना खाद बीज और अन्य सामग्री खाने पीने की कैसे प्रतिपूर्ति करेगा? है ये स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का जॉब है, उनको देखना चाहिए। सब्जी मंडी है ऑन रोड पे लगती है। ये ऐसी स्थिति कब से है? बहुत वर्षों से चली आ रही है। नहीं मतलब अभी किसान अपना खाद बीज के लिए बेच रहा है माल, इसलिए भीड़ लग रही है। यस बिल्कुल सही है। तो लगभग कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए? अभी तो सोमवार को हम आए थे माल लेकर के, वो बंद थी मंडी, इन लोगों की स्ट्राइक थी, हम लोग माल वापस ले गए। आज फिर आए, वो अभी माल का रेट भी नहीं खुला है। हम तो श्रीवास्तव है यहाँ का, उससे पूछ करके आए, बोले भैया अभी नहीं कुछ माल आल भाव नहीं है कुछ। तो फिर वापस हम बस क्या लेकर आए अंकल आप? अरे वर्दा तिली, हमारी ये मांग है, यहाँ पे सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही, भीड़ बहुत मचती है, किसान 12-1 बजे रात में भन्ना लेके जाता है, वो उसकी समस्या का समाधान हो, यहाँ जाम ना लगे। कैसी भीड़? किसकी भीड़? किसानों की, तुल नहीं पाता, ट्रैफिक लग जाता ज़्यादा। कितने कितने दिन पड़े रहते हैं आप लोग? हम रात के 12 बजे घर पर निकल पाते हैं यहाँ से, रास्ते में चोर बदमाश और इसका भी दिल लगता है, माल बेच के जाते पैसा लेके। जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यानी कि अव्यवस्था बहुत है यहाँ पे, और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं? ये अव्यवस्था है कि सुबह से किसान आ गए, अभी तक मंडी में बिना भूखे प्यासे सभी लोग बैठे हुए अपने काम काज छोड़ के, किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, ना माल खरीदने वाला कोई आ रहा, ये सब दिक्कतें हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान कब तक मंडियों में पड़ा रहेगा? अब हम इसमें क्या बता सकते हैं, बताइए आप। किसान लोग सब परेशान हैं, अपना जल्दी बेच के चले जाते, अपने काम में लग जाते, और बताते हैं यहाँ से MP के भी लोग आते हैं, इसलिए कारण के बने और भीड़ हो जाती है। जी जो कि MP के नहीं आना चाहिए, बहुत दूर दूर के आते हैं यहाँ पे, ताकि आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, महोबा जिला के लोग परेशान हो रहे हैं, अन्य जिला के लोग फायदा ले रहे हैं इस बात। जी ये सब सचिव क्यों उससे है? अब हम ये नहीं बता सकते, यही है कि मान के चलिए सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए, किसानों को परेशानी ना पड़े। हाँ। है ना, इसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कितने कितने दिन किसान पड़े रहते हैं यहाँ पर? एक दो दिन पड़े रहते हैं, सुबह के आई हुई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो बांदा जिले से यहाँ क्यों आए? बांदा यहाँ के लिए हमने सुना था कि यहाँ 6 रेट मिलते हैं, इस कारण से आए थे, तो यहाँ 6 रेट के आज यहाँ तो डकैती पड़ रही है। कब तक पड़े रहेंगे यहाँ पर? हम कहाँ तक पड़े रहेंगे, दूसरा वाहन ढूंढेंगे फिर वापसी माल ले जाएंगे। जी लोगों का आरोप है किसानों का कि वहाँ पर जो जहाँ पर किसानों का माल रखना चाहिए, जैसे चबूतरे बने हुए हैं जी, और वहाँ किसानों का माल जाना चाहिए कि किसान मतलब अच्छे से अपनी तौलाई करा सके, वहाँ व्यापारियों को माल रखा हुआ है,
नहीं, किसानों का भी रखा हुआ है माल जो है, सारा माल वो किसान व्यापारियों के पास जो माल है वो भी किसानों का ही माल है जी। जो वहाँ रख जाते हैं, मान लीजिए जैसे आज आए और आज बिका नहीं माल जो है, तो उसको वहीं चबूतरे पे रख देते हैं वो जो है, फिर वो अगले दिन बिकता है, जिस दिन उनको अच्छा भाव मिलता है उस दिन बेचते हैं वो। नहीं, कल हमारे बहुत किसानों से बातचीत हुई है वहाँ पे, और जितना भी रखा था वहाँ पर कई दिन से माल रखा हुआ है, और किसान अपना माल नहीं बेच पा रहा, वापस घर लौट के ले जा रहा है। नहीं नहीं, कल तो पूरा माल बिका मंडी में, ऐसा कोई किसान नहीं गया जो वापस गया हो मंडी में जो है। सर, हो सकता है कि बिक गया है, हो बिक जाता है शाम तक में, लेकिन बहुत परेशान हो रहे हैं किसान इस विषय में कि जो मंडी के नीचे है जमीन में, उनका ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है। नहीं नहीं, मंडी शाम तक तो माल सारा बिका है मंडी में जो है। और ये भी कल तो एक्चुअल में बुधवार को तो कल भीड़ रहती है ना, बुधवार को थोड़ी भीड़ रहती है इसलिए दिक्कत होती है, आज कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे आज बिल्कुल जगह ही जगह मंडी में आज जो है, ये दिक्कत सिर्फ बुधवार को होती है। किसानों को तो ये आरोप था कि हमेशा ये मंडी में ऐसा ही होता है, और आड़त गिरी मतलब जो भी बाहरी किसान आते हैं उनका ले लिया जाता है, अपने लोकल किसानों को नहीं लिया जा रहा है जो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, जो भी किसान आता है तो गेट पर तो हमारे ही आदमी लगे हुए हैं ना, किसी भी किसान का माल वापस नहीं होता है जो है, तो किसान हम तो गेट पे हम चेक करते हैं ना किसका माल वापस हो रहा है किसका नहीं हो रहा, वापस माल के माल जो निकलता है वो केवल व्यापारी का ही निकलता है, जब खरीद लेता है माल तो व्यापारी का ही माल निकलता है, किसान का माल नहीं निकलता कभी वापस जो है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।